मैं अपने 01 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुई हैं। और देखिए जो इसका साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट है, कैप का और जो ड्रेस का। देखिए कैप का जो साइज़ है वो बिल्कुल भी सिर के ऊपर और बाहर भी नहीं है, बिल्कुल सेट है। 01 दोनों को बिल्कुल सेट आएगी। उनकी बाजू वगैरह हाथ देखिए बिल्कुल प्रॉपर हैं निकले हुए बाहर, और जो चोली है ना ही बड़ी है ना ही छोटी है, बिल्कुल प्रॉपर साइज़ है 01 नंबर के लिए। ये मैंने 0 को पहनाई है और 1 को भी बिल्कुल सही आएगी। तो आप इसको बनाएंगे, देखिए मैंने इसको 2.5 mm के क्रोशे से बनाया है। जो हमारी 4-ply की वूल आती है, वर्धमान की बेबी वूल जो नॉर्मल होती है, वही ली है मैंने। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं हैं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ड्रेसेस कैसी लगती हैं। चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट भी डाल दीजिए। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैं 01 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। देखिए मैंने ये चोली बनाई है, चोली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ कि फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो फर्स्ट राउंड है उसके अंदर हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हैं, 16 डबल क्रोशिया। तो उसके बाद हमने सेकंड राउंड में हर 16 डबल क्रोशिया को डबल करना है, फर्स्ट को एक बार बनाना है, तो मेरे पास 30 आ जाएंगे। तो अगर आपने इसको 1 नंबर के लिए बनाना है तो आपने क्या करना है, इसी तरह से बनाना है, 30 डबल क्रोशिया सेकंड राउंड में हो जाएंगे हमारे पास। जब हम इसको डिवाइड करेंगे चोली बनाने के लिए, तो हमने देखिए क्या करना है 1 नंबर के लिए, यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर एक चैन डाल देंगे। 7 डबल क्रोशिया मैंने बाजू के छोड़े हैं, फिर 8 पीछे रखे हैं, फिर 7 डबल क्रोशिया बाजू के, 8 पीछे, एक एक चैन हमने यहाँ पर दोनों साइड पे बनानी है। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन, तो हमारे यहाँ पर जो घेरा होता है यहाँ से बढ़ जाएगा, ऊपर से हमारा 0 और 1 का उतना ही बनेगा। तो हमने इस तरह से ही करना है, ताकि जो हम नीचे घेरा बनाएंगे तो हमारा थोड़ा सा यहाँ से खुला हो जाएगा 1 नंबर के लिए। अब देखिए हमने क्या करना है, आगे डिज़ाइन बनाने के लिए मैं इसको नया कलर लगाऊंगी। देखिए अब हमने क्या करना है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, जो ये डिज़ाइन है 0 नंबर का यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एक चैन बनाकर इसको थोड़ा सा खींचेंगे ऊपर, और हमने पफ बनाना है इसको, देखिए 2, 3 और 4, 4 बार हमने बल लेकर पफ बनाना है इस तरह से। अब इसको हम लॉक करेंगे, फिर से हमने पफ बनाना है नेक्स्ट चैन में, एक चैन बनानी है, फिर से हमने देखे नेक्स्ट में फिर से एक चैन बनानी है। हर एक चैन के अंदर हमने एक पफ बनाना है। देखिए इस डिज़ाइन के लिए हमें जैसे 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस तरह से चैन की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास एक आधी चैन कम ज़्यादा है तो आप इसको एडजस्ट कर लें। इवन नंबर भी हमें चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर 16 हैं, तो मैं इसको 16 ही रखूँगी। हर एक चैन में हमने इसको पफ बनाना है, कोई भी हमने यहाँ पे स्किप नहीं करनी है। चार चार पर बल लेना है हमने। देखिए इसको हम बड़ा भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को।
चलिए इस राउंड को मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमारे पास ये 16 पफ बन गए हैं। एक पफ के बाद हमने एक चैन बने, एक पफ के बाद दो चैन, इस तरह से बनाते हुए हमने 16 पफ बना लिए हैं 16 डबल क्रोशिया के ऊपर। अब देखिए हमने इसके अंदर नेक्स्ट कलर जोड़ दिया है, अगर अपने नहीं कट किया तो वही रख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट यहाँ पर दो की चैन वाला पफ है, ये यहाँ पर एक दो और तीन, तीन बार बार लेकर अब हमने पफ बनाना है। एक यहीं से पफ बनाने हैं हमने, तीन तीन बार बार लेना है हमने। देखिए दो पफ बनाने के बाद हमने यहाँ पर दो चैन बनानी है, दो चैन बनाकर फिर से हमने यहीं पर पफ, तीन चैन बनानी है सॉरी, फिर से हमने यहीं पे पफ बनाना है। यहाँ पे टोटल हमने चार पफ बनाने हैं तीन तीन बार बार लेकर। इस तरह से कि इस तरह से हो गया हमारा। अब हमने नेक्स्ट इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर भी हमारे पास दो चैन डाली हुई हैं तो हमने यहाँ पर भी चार पफ बनाने हैं। देखिए हम यहाँ पर एक चैन भी बनाएंगे ताकि हमारा जो घेरा है वो टाइट ना हो। यहाँ पर एक चैन बनाकर नेक्स्ट तीन बार बार लेंगे। अब हमने दो तीन चैन बनानी है, फिर से हमने यहाँ पर दो पफ बनाने हैं। इस तरह अब एक चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने करना है, टोटल एक स्किप करेंगे, एक चैन बना ली है ऊपर। अब यहाँ पर इसी तरह से चार चार पफ बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है पूरा। देखिए इस तरह से जो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, अब देखिए इसको जो हमारा यहाँ पफ है इसकी ऊपर वाली चैन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए हमने क्या करना है इसको, अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पर दो चैन बनाई है इसको हमने यहाँ पर लेकर आना है, सबसे पहले अपने वर्क को स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ सेंटर में। अब देखिए हमने इसको यहाँ से हमने पफ बनाना है, तीन बार बार लेकर हमने इस तरह से। अब एक 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 चैन बनानी है हमने, दो तीन चार एक दो तीन चार पांच और ये छह। इस तरह से हमने यहाँ पर छह पफ बना लिए हैं।
अब हमने एक चैन बनानी है। फिर से हमने यहाँ पर ये वाले जो हमने तीन तीन चैन बनाई थी वहाँ पर हमने बनाने हैं। अब फिर से हमने यहाँ पर एक चैन, जब का पफ कंप्लीट हो जाता है फिर एक चैन बनानी है हमने। फिर से एक चैन इस तरह से, देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से जो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, ये फर्स्ट वाली जो चैन है यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमने देखिए इसको कट कर देना है, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब हमने देखिए हमारा लास्ट की बीडिंग है, अब हमने क्या करना है, देखिए इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इसको एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट चैन है, सिंगल क्रोशिया बनाना है हमने। देखिए एक एक हमने पफ के ऊपर बनाना है, एक जो हमने चैन बनाई है उसके ऊपर बनाना है। इसको लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए जो हमारा यहाँ पर, इसको यहाँ से उठाएंगे, एक दो तीन चार, चार बार हमने देखिए यहाँ से बल लेना है और इसको इस तरह से पफ बनाना है। और फिर से हमने देखिए इसको यहाँ फर्स्ट वाले जो पफ की चैन है उसको छोड़ेंगे, सेंटर में डालेंगे इसको। हमारे पास टोटल कितनी आएंगी, दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये नौ, नौ सिंगल क्रोशिया बनेंगे हमारे पास। फिर से देखिए इसको यहाँ से उठाना है, जो वाइट वाला है यहाँ से, एक चार बार हमने इसको बल लेना है, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। फिर से हमने देखिए इसको ये छोड़ देना है, यहाँ पफ दोनों पफ के बीच में जो चैन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, दोनों साइडों से जो पफ है उसकी चैन को हम छोड़ देंगे यहाँ से करते। इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए अब हमने क्या करना है, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देना है। देखिए इस तरह से जो हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है, अब देखिए हमने इसके जो बैक बीडिंग होती है वो करनी है। सबसे पहले हम एक चैन बनाएंगे और यहीं से देखिए यहीं से हमने इसको इस तरह से निकालेंगे धागा, तो दो का एक करेंगे। अब नेक्स्ट चैन पे डालेंगे, दो का एक करेंगे, बस पीछे की तरफ जाते जाना है। देखिए चैन में से हमने क्रोशिए को
डालकर ये एक लूप लिया, दो हो गए, दो का एक करेंगे। फिर से देखिए, हमने इसको यहाँ से लिया, हर एक चैन में से डालना है, हमने कोई भी चैन स्किप नहीं करनी है। बैक बीडिंग बोलते हैं इसको। इस तरह से जो थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग और आ जाएगी। हमने ये वाला छोड़ देना है, इसके साथ यहाँ पर डालना है इसको। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है पूरे राउंड को। देखिए इस तरह से हमारी 0 नंबर के और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन गई है। देखिए इसके लिए अब हम कैप बनाएंगे। कैप के लिए देखिए हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। अब हमने देखिए क्या करना है, पहले एक चैन बना लेंगे। अब देखिए हमने इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे, पफ बनाएंगे इस रिंग में से। आपकी वूल अगर बारीक है तो आप 3 बार बल ले लें, अगर थोड़ी मोटी है तो 4 बार बल ले लें, सॉरी बारीक है तो 4 बार ले लें, मोटी है तो 3 बार ले लें। तो इस तरह से देखिए हमने एक पफ बना लिया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर से पफ बनाएंगे। अब एक चैन, फिर से पफ। फिर से एक चैन। देखिए वैसे तो इस धागे में 3 धागे होते हैं, मैंने एक निकाला हुआ है इसलिए मैं इसके 4 बार बल ले रही हूँ। हमने टोटल 6 पफ बनाने हैं, बीच में 6 चैन देनी है, एक पफ के बाद एक चैन। जब पफ कंप्लीट हो गया था उसके बाद देखिए 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब एक चैन डालकर देखिए, पहले आप इसको इस तरह से नाप कर देख लें कि हमारे लड्डू गोपाल जी का सिर आ जाएगा, तो आप एक पफ और बनाऊंगी मैं। अब एक चैन बनाकर, अब देखिए हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करके जो हमारा फर्स्ट वाला पफ है, चैन बना ली है मैंने एक, वहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना है स्लिप स्टिच से। और देखिए जो हमारे पास ये वाला धागा था, हम इसको खींच लेंगे, इसको हमने खींच लेना है। और ये हमारी देखिए इस तरह से ये कैप बन गई है। अब हमने क्या करना है, देखिए इसको हमने यहीं से ये वाले धागे को हम कट कर देंगे, इसको पूरा टाइट खींच देंगे। अब हमने देखिए ये वाले कलर से इसकी जो बीडिंग है वो करेंगे। इसको पहले कट कर देते हैं, इसकी भी हमने बैक बीडिंग करनी है। देखिए हमने इसके अंदर 8 से 7 पफ बना लिए थे, तो इसको हमने खींच लिया। तो अब हमने देखिए यहाँ पे वूल अटैच कर ली, इसकी बैक बीडिंग बनानी है हमने इस तरह से। इस धागे को हमने टाइट रखेंगे, इस साइड ले लेंगे हम। अब देखिए एक तो हमारा जो पफ का
चैन एक वहाँ पे और एक जो पफ के बीच में हमने चैन बनाई है वहाँ पे। इस तरह से हमने ये बीडिंग पूरी कंप्लीट कर देनी है। अब देखिए इसको हम बीच में लेकर बाद में एक्स्ट्रा को कट करेंगे। यहाँ पे पहले हमने देखिए इसको यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको यहाँ से हमने इसको निकाल लेना है और कट कर देंगे। अब देखिए हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है। अब इसको हमने ये हमारी जो कैप है बनकर आ गई है, जो हमारे ये एक्स्ट्रा की वूल है देखिए इसको हमने यहाँ से हल्का सा हम इसको उठाएंगे और इसको बीच में कर देंगे ताकि ये बाहर ना आए। और देखिए जो हमारा ये वाला धागा था इसको भी हमने खींच तो लिया है, इसको भी हमने चैन बनाकर यहाँ से हल्का सा लेकर एक चैन बनाकर फिर कट करेंगे, नहीं तो हमारा ये लूज हो जाएगा इस तरह से। अब इसको हम खींच कर हमने इसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारे जो एक नंबर और जीरो नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और ये कैप बन गई है। ये देखिए मैं पहना कर दिखा देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। देखिए ये जीरो और एक को बिल्कुल फिट आएगी। ये देखिए मेरे बिल्कुल जीरो नंबर वाले साइज के लड्डू गोपाल हैं, तो इनको भी जो चोली है बिल्कुल परफेक्ट आई है, इनके दोनों हाथ भी बाहर आ गए और इनका जो साइज है वो भी बिल्कुल फिट है और एक नंबर को भी बिल्कुल ही फिट आएगी। और ये उनकी देखिए कैप, ये देखिए इस तरह से जो हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको हमारी ये ड्रेस की वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।